दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्साइड चार्ज कंट्रोलर जो कि सोलर के लिए अवेलेबल होता है। हमने अमेज़न से परचेस किया हुआ है और इसे हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसमें अभी यूएसबी फीचर एडेड है या नहीं, वरना इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये है एक्साइड का सोलर चार्ज कंट्रोलर और ये मैक्सिमम 6 एम्पियर तक आपको करंट दे सकता है सोलर चार्ज की तरफ से। और इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, पर इसमें कोई यूएसबी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है और इससे कोई लिथियम आयन का बैटरी आप चार्ज नहीं कर सकते, लिथियम फॉस्फेट का बैटरी आप चार्ज नहीं कर सकते। केवल इसमें स्विचेस दिया गया है, न कि केवल उसमें कोई यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, ना ही कुछ उसमें मोबाइल चार्जिंग का सुविधा है। बस आप उसे बैटरी, जो लीड एसिड बैटरी होता है, उसे चार्ज करने के लिए और अलग अलग जो कि डीसी डिवाइसेस होता है उनको रन करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चार्ज कंट्रोल होता है जैसे कि 6 एम्पियर तक आपको इसमें मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जन सोलर का 50 वाट का सोलर पैनल जो कि हमने अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ है। और इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है जन सोलर का 50 वाट का जो सोलर पैनल आता है। इसके लिए मैं अभी इसको भी खोलूँगा थोड़ी देर में, आपके लिए अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि जन सोलर का जो पैनल है मोनोपर्क में किस तरह से आता है, उसे अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही में ये जो एक्साइड का सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसे रिप्लेस करना होगा क्योंकि इसमें कोई भी यूएसबी पोर्ट अवेलेबल नहीं है और ना ही ये लिथियम बैटरी को चार्ज करता है। तो अभी हम देखेंगे कि सन सोलर का 50 वाट पैनल कैसे है, किस तरह से काम करेगा, कितना वोल्ट आएगा, कितना एम्पियर ये सपोर्ट करता है। और इसे दिखाने के लिए मैं आपके साथ वीडियो में बने रहने के लिए कहूँगा आपसे कि पूरा वीडियो देखें। देखिए ये है जन सोलर का 50 वाट पैनल, सोलर पैनल, इसे हमने अमेज़न से परचेस किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी बेहतरीन इसका आउटपुट मिलता है। और साथ ही में इसके साथ ये जो वायर था मैंने कनेक्ट किया था, ये वायर के साथ नहीं आता है। वायर के बारे में आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा, पहले इसको हम देखेंगे कि ये जन सोलर की तरफ से जो 24 वोल्ट ये 24 वोल्ट देता है और मैक्सिमम इसका आउटपुट है 4.5 एम्पियर। मैंने जब वायर कनेक्ट किया था इसके साथ में तभी मैंने उसका एम्पियर और वोल्टेज एम्पी मीटर के साथ देखा था, आपको भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसको कनेक्ट करना है और साथ ही में अभी इसका वारंटी और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलता है अमेज़न की तरफ से, जो पार्सल आपने मंगाया उसी के साथ ये आता है। तो ये जन सोलर है और काफ़ी अच्छा पैनल है, काफ़ी आउटपुट अच्छा मिलता है इसका, धूप काफ़ी तेज़ होगी तो काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वायर जो होता है इसको कनेक्ट करना पड़ता है और ये कॉपर वायर की बजाय 6 mm 4 mm का जो भी डीसी करंट फ्लो करने के लिए अच्छा वायर माना जाता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और ये कनेक्ट किया हुआ है अच्छी तरह से, इसके सेल्स जो है आपको दिखाना चाहूँगा पूरी तरह से, बॉन्डिंग इसका अच्छा होने के लिए स्ट्रिप वाइज उसको कनेक्ट किया जाता है।
और जिस तरह के आपने देखा था ये ब्लैक सेल चाइना में मिलता है, बहुत ही सस्ता मिलता है, लेकिन इंडिया में बहुत महंगा मिलता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये सन सोलर बहुत ही अच्छा पैनल इसने आउटपुट देने के लिए बनाया हुआ है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा, ये जो वायर है ये मैंने 2 टुकड़ा ख़रीदा था और इसका 20 रुपये मेरे को चार्ज पड़ा था। तो इसको मैंने ख़रीदा था हार्डवेयर की दुकान से लगा के चेक करने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पैनल है ये किस